हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम फिर आ चुके हैं एक नया वीडियो को लेकर। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे एक महीने तक इस बार मैं अपना डेली का लॉस प्रॉफिट दिखाने वाला हूं। तो इसमें जैसे लास्ट मंथ मैंने किया था 5,000 रुपये से चैलेंज, तो उसमें क्या हुआ, मैंने सारी वीडियोज़ नहीं बनाई, बस अपना लास्ट में अपना P&L दिखा दिया था। चैलेंज का फ़ायदा क्या होता है यार, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने ये स्टार्ट किया मई के अंदर मैंने 5,000 रुपये ऐड किए और मैं उसको 8,000-10,000 तक लेके गया, बट वो सभी लॉस कर दिया। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। फिर जून में मेरे पास कैपिटल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने जून में कैपिटल ऐड नहीं किया, बस चीज़ें को सीखा। मतलब ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको हर चीज़ के लिए। तो मैंने ऑब्जर्व किए चीज़ें कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर मेरे को चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए और कहाँ पर मेरे को चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने उन चीज़ को इम्प्रूव किया। फिर जुलाई के अंदर मैंने कैपिटल ऐड किया 5,000 रुपये ही, पर उसकी मैंने कोई वीडियोस नहीं ऐड की। बट उसका लास्ट में अभी लास्ट जो वीडियो थी उसका मैंने P&L दिखाया हुआ है, अब वो भी जाके चेक कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज है 1 अगस्त, तो मैंने सोचा कि यार मैं 5,000 रुपये को मैंने मेंटेन किया, तो अब 10,000 रुपये की बारी है। जब हम 10,000 रुपये को मेंटेन कर लेंगे, फिर हम 20,000 रुपये को लेके जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसे नहीं कि हमने पहले 50,000 रुपये ऐड कर दिए और पहले ही लॉस हुआ और हम उसमें सब कुछ खो चुके हैं अपना, और जब हमारे एक्चुअल चीज़ें समझ आने लगी तब हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचा या हमारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका था उस टाइम तक। तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था वीडियो के लिंक जो लास्ट वीडियो थी कि 5,000 रुपये से ट्रेडिंग नहीं होती है। भाई वो उसके लिए होगा, वो 1,00,000 रुपये ऐड कर सकता होगा, 2,00,000 रुपये ऐड कर सकता होगा, बट मेरा मानना है कि जो बंदा स्टार्टिंग करता है ना, उसको कभी भी 1,00,000 रुपये या 2,00,000 रुपये या 50,000 रुपये ऐड नहीं करने चाहिए। जब आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो आप उसमें स्टेप धीरे धीरे रखना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हो, जब आपकी मर्जी है, बट आपको चीज़ें नहीं पता है तो आपको स्टेप धीरे धीरे रखने चाहिए। अब जैसे वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि मैं मतलब 1,000 रुपये 5,000 रुपये से क्या ट्रेडिंग होती है, या 1,00,000 रुपये ऐड करो या 2,00,000 रुपये ऐड करो, तो मेरा मानना है, या मैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसको क्या सोचना है। अगर आपको चीज़ें पता है तो आप अपनी मर्जी से 1,00,000 रुपये ऐड कर सकते हो। आपको पता है कि असल कहाँ लगाना है, कहाँ से बाहर निकलना है, कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेके जाना है। बट आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है, एग्जैक्टली कितना लॉस लेके जाना है, आपने 1,00,000 रुपये तो ऐड कर दिए, आपने दो ट्रेड ली, दो ट्रेड में आपको 20,000 रुपये का लॉस हो गया, आपकी माइंड साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी। आप एकदम सोचोगे कि मुझे पहले 20,000 रुपये कवर करने हैं, तो आपका उन 20,000 रुपये कवर करने के लिए आप उससे ज़्यादा और लॉस कर दोगे। बट अगर आपने वहीं पर 5,000 रुपये ऐड किए होंगे, दो लॉस में आपने 1,000 रुपये अपने को खो दिए, तो आपको थोड़ा ये नहीं डाउट होगा कि आप अगर उसमें वही वाली साइकोलॉजी लगाओगे जो आपने 1,00,000 लगाई थी कि मैं इसको कवर करता हूँ या मैं इसको ट्राई करता हूँ कवर करने का, अगर आपके 5,000 खो भी गए ना तो आपको इतना दुख नहीं होगा उस टाइम पर। बट अगर आप वहाँ पर मेंटेन कर पाओगे, यार नहीं मैं 1,000 रुपये खो चुके हैं, तो आपके 5,000 रुपये खो जाएंगे, फिर आप जब दोबारा ट्राई करोगे तो आप चीज़ों को सोखोगे, मतलब समझोगे एकदम से। 1,000 रुपये खर्च होने के बाद आप थोड़ा मेंटेन करोगे, यार नहीं मेरा आज का जो लॉस था वो मेरा कवर हो चुका, मैं आगे ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये धीरे धीरे आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब कोई बोल दे आपको 50,000 रुपये ट्रेड करो, 1,00,000 रुपये ऐड करो अपने अकाउंट में, नहीं, आपको स्टार्टिंग के लिए एक अलॉट से ट्रेड करना आना चाहिए। अगर आप एक अलॉट से ट्रेड कर पा रहे हो ना, तो आप 100 अलॉट से भी कर लोगे। बट अगर आपको एक अलॉट लेते हुए डर लगता है, आप घबरा रहे हो, आपको डर है कि यार लॉस ना हो जाए, प्रॉफिट ना हो जाए, तो आप 10 क्वांटिटी से नहीं कर पाओगे। आप 10 अलॉट ले लोगे, कैसे कर पाओगे फिर उसमें, आप सोचना चीज़ों। तो दूसरों के कहने पर मत चलना, आप अपने अकॉर्डिंग चलो। आपको लगता है कि यार आपके लिए मिनिमम कैपिटल 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये से स्टार्ट कर लो। अगर आपके 10,000 रुपये खो जाते हैं या मतलब आपकी मनी खत्म हो जाती है, आपको उसका कोई टेंशन नहीं है, तो आप उसको 10,000 रुपये से कर सकते हैं स्टार्ट। किसी के लिए 5,000 होते हैं, किसी के लिए 10,000 होते हैं, किसी के लिए 1,00,000 होते हैं, किसी के लिए 50,000 होते हैं, तो सबका अपने अपने पर डिपेंड करता है। बट मेरा मानना है कि जो बंदा स्टार्टिंग करता है तो वो एक अलॉट से करना चाहिए उसको। अगर बायर है तो एक अलॉट से करो, सेल के लिए थोड़ा, अगर आप सेलिंग साइड जाते हैं तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, बट आप बायर साइड से स्टार्ट कर सकते हो, तो एक लोट से करो, उस एक लोट से मैनेज करो अपने आप को, क्या आप कितनी देर तक रुक पा रहे हो, या 10 रुपये प्रॉफिट लेकर बाहर निकल पा रहे हो, 100 रुपये का लॉस दे रहे हो, ये होता है स्टार्टिंग में। तो अब हमने, हाँ मैं पॉइंट पर आते हैं अपने यार, वो तो हम भूल गए थे, हमने अब 10,000 रुपये ऐड किए हैं लास्ट
मंथ थोड़ा ठीक ठाक लगा हमें कि हमने 5,000 रुपये को थोड़ा मेंटेन कर पाए हम। तो अब हमने ये हमारा कैपिटल है 10,000 रुपये। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी परमानेंट वीडियोस बनाऊँ डे बाय डे, और जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा या इसको मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या क्या गलतियाँ हो रही है तो उसको समझेंगे, और हर दिन जो भी वीडियोस होगी प्रॉफिट लॉस की वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज जैसे 1 अगस्त से, तो हम क्या करने वाले हैं ट्यूसडे अपना, तो आज जितनी भी ट्रेड होगी 1, 2, 3 वो दिखाऊंगा मैं, और प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो भी दिखाऊंगा मैं। बट हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यार, किसी के कहने पर मत चलना, जैसा आपको बेस्ट लगता है आप वो करना। अगर किसी ने कहा है कुछ और चीज़ों को कि आप यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो तो आप मत करना। अगर बंदा कोई भी कॉल पे काम करता है वो भी दूर रहे यार, कॉल पे किसी भी काम नहीं करना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए चीज़ों को काम करने के लिए। तो अभी 8:30 बज चुके हैं, 9 बजे मार्केट ओपन होगी, तो हम फिर से देखते हैं कि अपना आज का ट्रेड कैसा रहने वाला है। तो हमारा चैलेंज 10,000 रुपये से 1 महीने के लिए कितनी ट्रेड हम कर पाएंगे, क्या उसको मेंटेन कर पाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। ये मेरा लास्ट बैलेंस था, मतलब पिछले वाले उसमें से बैलेंस बचा हुआ था और कुछ मैंने आज ऐड कर दिया, तो अब टोटल हो चुके हैं अपने 10,000 रुपये। लास्ट वाले से मैंने 2,000 रुपये निकाले भी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ उसने खत्म कर दिया है, तो लास्ट वाला कुछ चीज समझी है तो भी मैंने 10,000 रुपये ऐड करे हैं, अदरवाइज मैं ऐड नहीं कर रहा था। तो अब 10,000 रुपये को लेके चलते हैं और देखते हैं कितना लॉन्ग टर्म हम इसको लेके चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, एंड में चीजें बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगी यार, क्यों लॉस हुआ था, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्या स्ट्रेटेजी बनी थी। सो अपना मार्केट ओपन हो चुका है, ऑलमोस्ट 9:30 बजने वाले हैं, बट अभी तक मार्केट में कोई ट्रेंड मेरे को लगा नहीं है, ऑलमोस्ट साइडवेज चल रही है, और इतनी सारी स्क्रीन आप देख रहे हो कि मैंने क्यों यूज़ की हुई है, तो मैं अभी वो आपको बता देता हूँ। इसी स्क्रीन पर मैं टाइमिंग देखता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है ये थोड़ा लेट चलता है, मतलब ये 5 सेकेंड लेट चलता है, और ये जीरोधा का मैंने ओपन किया हुआ है तो जीरोधा का ऑन टाइम चलता है। इधर हमारा है प्रीमियम का चार्ट, ये है जो पोजीशंस होगी उसके रिलेटेड, जहाँ पर पोजीशंस दिखने वाली मेरी, तो यहाँ पर पोजीशंस होगी, ये अपना होगा चार्ट किसका, अपना प्रीमियम का चार्ट होगा, ये हमारा मेन चार्ट है, ये टाइमिंग के लिए लगाया हुआ है। अगर किसी को पता हो कि जीरोधा के अंदर टाइम कैसे लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो फिर इस वाले चार्ट को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इस चार्ट की 5 सेकेंड डिले होती है। अब यहाँ पर चेक करना, ये लिखा हुआ है कि 1 अपडेट एवरी 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के अंदर ये अपडेट होता है। तो डेटा ऑन दी और बेसिक प्लान इज अपडेट एवरी 5 सेकेंड, तो बेसिक प्लान के अंदर हमारे 5 सेकेंड का डिले होता है। तो अगर पेड हमने ले रखा है तब इसमें फास्ट अपडेट होगी, तब इसमें कोई डिले नहीं होगी। तो ये मेरे पास पेड मतलब प्रीमियम नहीं है इसका, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो मैं मोस्टली इसी को यूज़ करता हूँ अपने इस वाले चार्ट को। तो इसमें ऑन टाइम अपडेट होती है चीज़ें। तो अभी कोई पोजीशन नहीं बनाई है हमने, अगर बनाएंगे तो वो देखते हैं फिर कैसे बनते। हमने ली है अभी अपनी 4 ट्रेड हो चुकी है, अब बस एक ट्रेड और लेने का प्लान है 5वीं, अगर प्लान बना तो, क्योंकि पहली 2 ट्रेड मैंने गलत जल्दी में ले ली और जो कि मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी, और फिर जल्दी में निकल गया, मतलब ले ली और फिर जल्दी में निकल गया। तो ये भी आएगा आपके साथ भी, ऐसा होगा जबकि आप स्टार्टिंग में होंगे चीज़ों को लेके, तो आएगा। ये एक पैटर्न था जिसमें ऑलरेडी मार्केट साइडवेज ही था, बट मैंने फिर भी इसके अंदर ले ली जो कि नहीं लेनी चाहिए थी, बट मैंने ले ली। और फिर लेने के बाद मेरे को ऐसा कुछ लॉस हुआ है स्टार्टिंग के अंदर, मेरे को ये था पहली ट्रेड सी में ली थी मैंने, तो उसमें 144 का 147 का लॉस था, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं था। मेरा लॉस रहता है 1,000 रुपये का, पहले 500 तक का मैं रखता था, अब मैंने लॉस को किया है 1,000 रुपये तक, मैं जिस दिन लॉस 1,000 का हो गया उससे मन कर दूंगा, या फिर प्रॉफिट 2 या 2,500 रुपये का प्रॉफिट रहने वाला है और 1,000 रुपये का लॉस, तो 1:2 ही रखूंगा मैं अभी। तो पहले लॉस हो गया था मेरा इसमें ऑलमोस्ट, इसमें हो गया था अपना लॉस, अब कैसे दिखेगा यार यहाँ पर, तो दिखेगा नहीं वो, तो पहली 3 ट्रेड यहाँ पर दिखेगा शायद, वो यहाँ पर भी आई थिंक पता नहीं लगेगा कितना लॉस हुआ था, बट फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये थी पहले वाली ट्रेड, इसमें 147 का लॉस हुआ, इन 3 ट्रेड के अंदर मेरे को 2 ट्रेड के अंदर 450 रुपये का लॉस हो चुका था। तो ये टोटल ट्रेड जो लॉस था वो उसमें अंदर था 650 रुपये का लॉस हो चुका था आज। तो ये लास्ट मैंने सोचा कि अगर 4 ट्रेड भी मेरे लॉस में निकल जाते तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 ट्रेड ही रखता हूँ मैं, और लॉस टोटल 1,000 रुपये का रखता हूँ, प्रॉफिट 2,000 या 2,500 के आसपास तक का। तो
क्योंकि मार्केट ने सुबह ट्रैप कर दिया तो इस वजह से थोड़ा समझ नहीं आया, और अभी ये बचता है 140 का लॉस। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे ट्राई करते हैं, अगर रिकवर होता है मार्केट, कोई मिलती है ट्रेड हमें सेकेंड हाफ में तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज तो -140 पर हम निकल जाएंगे। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि 550 से मैंने 180 पर आ चुके हैं, तो अगर कोई ये ट्रेड कोई और ट्रेंड मिलता है सेकेंड हाफ में अंदर तो हम प्लान करेंगे उसको लेने का। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि इसने एक ट्रेड ने मेरे 550 का लॉस कवर कर दिया। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, जब आप प्रॉफिट में होंगे थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको। जैसे देखो इसने 30 पॉइंट मैंने प्रॉफिट में किया तो 30 के 30 इन्होंने मेरे निकाल दिए, जबकि अभी जो इसका प्रीमियम चला है 45 पर या 48 तक चला गया। तो अगर थोड़ा और होल्ड करता मैं शायद हो जाता, बट लालच नहीं करना चाहिए। मैं 30 पॉइंट तक अपना रखता हूँ, 30 पॉइंट के बाद मैं निकल गया। इसमें मैंने दिया है अपने 3 पॉइंट पे लॉस, इसका था मेरा आई थिंक 80 90, तो ये 15 पॉइंट के आसपास था। और इसमें है अपना 3, हाँ इसमें 3 पॉइंट का लॉस, तो लॉस बहुत कम है, प्रॉफिट थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ रहा है। तो प्रॉफिट होल्ड करेंगे तो शायद फ़ायदा रहेगा, और तभी हम प्रॉफिट तक रुकेंगे एंड में। तो अगर लास्ट वाली ट्रेड हमें मिलती है तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज तो हम। आज लास्ट ट्रेड हो चुकी है और ये हमारी थी फिफ्थ ट्रेड। तो हमने 150 रुपये कन्वर्ट कर दिया है 78 में, बट ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरी ट्रेड आज एक्सिस में हो चुकी है, जो कि मेरे को नहीं करनी थी, बट मेरे माइंड में था कि लॉस में मन नहीं होना है। और मेरे को एक जगह लगा था कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लास्ट वाले में 250 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था जो मैंने लास्ट वाले ट्रेड ली थी, तो उसकी वजह से हम +78 पर आए। तो एग्जिट करने करने में थोड़ा लेट हो चुका था मैं, तो उसमें क्या हुआ कि 150 रुपये मिल रहे थे बट 78 पर आए। बट कोई नहीं, हम लॉस से तो प्रॉफिट में आए हैं, बट ये कि थोड़ा हमारा जो ट्रेडिंग का ब्रोकरेज है वो थोड़ा लग रहा है, वो इसलिए अगर कि अमाउंट कम है हमारा, बट धीरे धीरे जब हम अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे तो फिर हमारा ब्रोकरेज पर ध्यान नहीं जाएगा, हमारा ट्रेडिंग पर ध्यान जाएगा। तो अभी आज फर्स्ट डे था 10,000 से, तो हमारा जो प्रॉफिट है 78 का है, ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी लॉस जो लॉस था उससे बेटर है, हम प्रॉफिट पर तो आए कितने भी आए हो चाहे। तो ये ट्रेड थी लास्ट वाली, ये थी। इसके बाद मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद मेरी ऑलमोस्ट ट्रेड भी फुल हो चुकी है, बट फिर भी हमने इसको मन कर दिया है। 194 पर हमने इसको बाहर निकाला था। इस वाले ट्रेड में अच्छा खासा मिला था, बट लॉस ज़्यादा था, 680 का लॉस था, तो उसको कन्वर्ट करने में इसको पूरा ही कवर लग गया था। तो आज की ट्रेड इतनी थी फर्स्ट डे आज अपना, तो कल देखते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है यार, मार्केट कंप्लीटली साइडवे चल रहा है, मतलब यहाँ से देखा जाए आप तो आज पहले इस जोन में रहा, फिर इस जोन में आके फंस गया, तो मतलब कंप्लीटली एक जोन के अंदर ही घूम रहा है। तो ना ही ये पता लग रहा है कि हमारा अपसाइड ले या डाउन साइड ले, तो इसी बीच में ही यहाँ पर सुबह लॉस किया था, जबकि यहाँ पर चांसेस नहीं होने चाहिए थे, बट कुछ गलती थी वो भी। आज क्या देखते हैं कल क्या होने वाला, कल कुछ ट्रेंड आएगा नहीं आएगा। तो अगर ट्रेंड में मार्केट होती है तो हम कुछ बना सकते हैं प्रॉफिट, बट अगर ट्रेंड में नहीं होती है मार्केट तो हम फिर चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये वाली ट्रेड मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा सीन था, यहाँ पर एंट्री करी थी उसमें, तो थोड़ी देर के लिए था बट मैं बाहर निकल गया फिर उसमें। तो देखते हैं कल क्या होता है और कल की ट्रेड में क्या होने वाला है। तो आज अपना कुछ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 78 का है, ठीक है, लॉस से तो कवर किया हमने प्रॉफिट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।